हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा नाम स्वाति है। आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये कोई फैशन वीडियो नहीं है, ना कि कोई स्टाइलिंग वीडियो है, बहुत ही सीरियस मैटर पे है जिसका नाम है कोरोना वायरस, जो कि पूरी दुनिया में फैल गया है और पूरी तबाही सी मच गई है। काफ़ी लोग परेशान हो गए हैं और काफ़ी लोग जो हैं इसको बहुत ही ज़्यादा लाइट वे में ले रहे हैं, लेकिन ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसको बहुत ही इजीली मत लीजिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर आप केयर नहीं करते हो, आपको लापरवाही करनी बहुत अच्छी लगती है तो आप करो, लेकिन आपको पता है कि आपकी एक लापरवाही की वजह से आपका पूरा फैमिली, आपका पूरा मोहल्ला और आपका जो पूरा एरिया है जहाँ से आप बिलोंग करते हो वो प्रॉब्लम में आ सकता है। आपकी छोटी सी लापरवाही इतने लोगों को प्रॉब्लम में ला सकती है। मैंने अभी बहुत सारे लोगों को देखा है जो मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मीन्स कि ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। क्या है आखिर में, आप क्या किसी चीज़ का वेट कर रहे हो कि आपके किसी फैमिली मेम्बर या आपके किसी क्लोज पर्सन को वो होगा तभी आप समझोगे? मैंने देखा लोग घूमने निकल रहे हैं, लोग पिकनिक मना रहे हैं, ये हॉलीडे टाइम नहीं चल रहा है, ना कि कोई सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इतनी लाइट वे में आप ले रहे हो, तो एक बार जाके आप गूगल पे चाइना और इटली के जो मैसेजेस जो वो भेज रहे हैं हमें कि हम जो है हमें इससे अलर्ट होना चाहिए, एक बार आप देख लो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इटली और चाइना के लोग इस प्रॉब्लम को काफ़ी बुरी तरीके से फेस कर रहे हैं और इसलिए वो हमें अलर्ट करना चाहते हैं। इतने सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो गलती की है वो हम ना करें। इसीलिए मैं भी आपको ये समझाना चाहती हूँ, मेरा एक छोटा सा मैसेज आपकी लाइफ सेव कर सकती है तो क्यों नहीं। प्लीज़ कोशिश करिए, पब्लिक प्लेस पे मत जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है तभी आप घर से निकलें, और निकलते हैं तो अकेले निकलें, ज़रूरी नहीं आप झुंड में जाएँ। अभी देर नहीं हुई है, इससे पहले कि और देर हो जाए आप जो है अलर्ट हो जाएं। और ज़रूरी नहीं है कोचिंग वगैरह यहाँ सब जाने की, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर होना होगा तो हो जाएगा, होना होगा तो हो नहीं जाएगा, आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का होने का। अगर एक दिन दो दिन कोचिंग नहीं जाओगे, एक दो दिन बाहर घूमने नहीं जाओगे तो क्या आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी? आप सोच लो, अगर आपकी यही लाइफ ही नहीं रहेगी तो आप घूमोगे क्या, आप कुछ बनोगे क्या, आप इंजॉय कैसे करोगे? सो मेरा ये मैसेज बस इसलिए है कि आप सब अलर्ट हो जाएं, आप इस चीज़ को बहुत ही लाइट वे में मत लें, इसको सीरियसली लें, क्योंकि ये छोटा मोटा कोई मैटर नहीं है। आप अपना सेफ रहें, अपने घर वालों को सेफ रखें, और जो भी आपके दोस्त आ रहे हैं अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो आप उनको प्लीज़ समझाएँ, क्योंकि आपके समझाने से हो सकता है उनकी लाइफ सेव हो जाए और फिर आपके साथ वो अच्छे से इंजॉय कर सकें। सो मेरा छोटा सा मैसेज आप सबके लिए था, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है मास्क का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ लोगों को देखा मैंने मास्क ऐसे ही लगा रहे हैं, उसको ऐसे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप सही तरीके से मास्क लगाते हैं तभी वो काम करेगा। एंड प्लीज़, आपके पास अगर सैनिटाइज़र नहीं है, अवेलेबल नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप थोड़े थोड़े देर पे आप जो हैंड वॉश करते रहें, बाहर निकलते हैं तो हैंड वॉश करके, ग्लव्स लगा के एंड मास्क लगा के एंड उसके बाद पूरा फेस कवर करके ही बाहर निकलें, क्योंकि बाहर कहाँ किसके पास वायरस है आपको नहीं पता है। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। तो मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो स्टेप नंबर वन, कि आपको जब आप घर से निकलते हो तो सबसे पहले नंबर आपको हैंड वॉश ज़रूर करना है, सैनिटाइज ज़रूर करना है, एंड देन उसके बाद आपको हाथों में अपने ग्लव्स लगाने हैं, एंड उसके बाद आपको मास्क लगाना है। मास्क को बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, क्योंकि जो वायरस वो हमारे नाक से भी अंदर जा सकता है, हमारी बॉडी के अंदर। तो इसका सही जो तरीका है यूज़ करने का, आपको इस तरह से यूज़ करना है। दिस इज़ द राइट वे टू यूज़, आपको इस तरह से यूज़ करना है। सैनिटाइज़ ज़रूर करें,
ये सैनिटाइज़र है जो मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। सो कोई सा भी आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हो और इस तरह से आप अपनी केयर करें और प्लीज़ जो है सेफ़ रहें। आज के लिए बस इतना ही, मेरा एक छोटा सा मैसेज आई होप आपके लिए हेल्प करेगा और आप लोग सेफ रहें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और आप खुद सेफ रहेंगे, बाकी आपके आसपास जितने लोग हैं उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे अगर उन्हें नहीं पता है। सो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी सेफ, टेक केयर।